बच्चे कह रहे थे कि एक्वेरियम के अंदर शार्क मौजूद है और मैं कह रहा था कि नहीं मौजूद है, लेकिन एक्वेरियम ऑफ कनाडा जाना इतना मुश्किल हो जाएगा ये कभी सोचा ना था। इस वक्त हमारे सामने दो ही चैलेंज थे, एक थी टोरंटो डाउनटाउन की ट्रैफिक और दूसरा एक्वेरियम के करीब तरीन पार्किंग। टावर के बिल्कुल सामने यहाँ पे बेसमेंट के अंदर एक पार्किंग मौजूद है। इनका डेली मैक्सिमम $35 गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और हम जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट या यहाँ से सीएन टावर की तरफ जाएंगे। एक्वेरियम भी उसके साथ ही मौजूद है। शाम 5 बजे से पहले हमने एक्वेरियम इसलिए पहुंचना था क्योंकि आज ही हमने एक्वेरियम को देखने के साथ साथ सीएन टावर को भी विजिट करना था, इसलिए टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। और फाइनली लंबी लाइनों में लग के हम बिलाकर टिकट काउंटर तक पहुंचे और उस दिन टिकट की प्राइस सुनकर हमारे भी तोते उड़ गए, प्राइस जरा थोड़ी बड़ी हुई थी। टिकट की कॉस्ट यहाँ पे है आज के दिन में $50 ईच, तो हमने 6 टिकट्स बाय की हैं। इतना सब कुछ देखने के बावजूद अभी तक हमें शार्क कहीं पे नजर नहीं आई थी। डेंजरस लगून का बोर्ड देखने के बाद अब लग रहा था कि शायद शार्क नजर आ जाए। अच्छा, जैसे जैसे अब अंदर जाते जा रहे थे कुछ जगहों के ऊपर तो अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पे कोई भी सीन कैप्चर करने की कोशिश जो थी वो एक नाकाम कोशिश थी। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, कई अच्छे सीन उठाने की कोशिश की लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी उठा ना पाए, लेकिन आगे बढ़ते रहे।
अब यहां तक पहुंचते पहुंचते एक बात तो क्लियर थी कि शार्क हमें कहीं पर भी नजर नहीं आई थी, इसलिए मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अभी तुम लोग कह रहे हो, लेकिन फिर बाद में स्टाफ से जब मालूम किया तो पता चला कि यहाँ पर वाकई शार्क मौजूद होती है, ये हमें एक्वेरियम के स्टाफ ने बताया, लेकिन इत्तफाक से इस वक्त हमें नज़र नहीं आई। हमने फिर भी उठा के उधर उधर कैमरा मारा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। अब मेरे जहन में उससे अगला सवाल ये था कि इतना बड़ा सिस्टम जो है इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपको पता है कि पानी का ये सारा निज़ाम ये किस किस्म की मशीनरी से कंट्रोल्ड है? तो उन्होंने कहा आप सीधे जाइए वहाँ से, आप राइट टर्न करेंगे तो वो तमाम मशीनरी आपको वहाँ पर नज़र आएगी जो इस तमाम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। और अब ये मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ। जी तो ये था हमारा आज का व्लॉग एक्वेरियम कनाडा का। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद हम जा रहे हैं, और आपको अगर सीएन टावर की सैर करनी है तो आपको देखना पड़ेगा हमारा वेरी नेक्स्ट व्लॉग। आपसे बहुत जल्द एक दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी, यानी कि अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।